अरे इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे आनंद का वातावरण पूरे नागपुर शहर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र भर में है। जो लाडली योजना आई है और विकास के काम से लोगों ने वोट दिया है, किसी जाति और धर्म के आधार के ऊपर वोट नहीं दिया। सर, ये जो नारा चला था बीजेपी यूपी से, बटेंगे तो कटेंगे, क्या उसके उसको लेकर के और ज्यादा वोट बढ़े हैं? हमारे यहाँ बटेंगे तो कटेंगे यानी हमारा हिंदू धर्म का नारा है, हम जो हमारे साथ में है हम बटेंगे नहीं, हम एक साथ थे, एक साथ में है करके हम सेव है। ये जो लाड़की बहन का योजना था, क्या ये मेन फैक्टर बन गया इस बार चुनाव के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये जानकारी विकास का काम और जो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट ने जो योजनाएं लाई है वो और लाडली बहन की जो योजना है, ऐसे दो चार जो फैक्टर जो है जो लोगों के ध्यान में आई उसके वजह से। जी जी, आपके समर्थकों में और किस तरह की आगे की जो है प्रक्रिया करने वाले हैं, जैसे लाडकी बहन योजना कहा गया था कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये कायम रहेगी, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की जनता ने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, नितिन जी गडकरी और जिनके नेतृत्व में हम ये इलेक्शन लड़े हैं, ऐसे हमारे लाडले भाई देवेंद्र जी फडणवीस और महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुड़े जी के नेतृत्व में हमने ये इलेक्शन लड़ा है। साथ में एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार जी भी हमारे साथ में थे। ये महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने साथ दिया है और साथ में लाडली बहनाओं ने भी भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, यानी उन्होंने विश्वास हम पर भारतीय जनता पार्टी पर दिया है। आने वाले समय में हम अच्छा काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेंगी, महायुति अच्छा काम करेगी और लाडली बहनाओं के साथ साथ सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, ये हम काम करेंगे। जो आपको ऐतिहासिक जीत मिली है तो कैसे, क्या इसको आप कैसे देखते हो? इसको आनंद के रूप में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और युति 230 जगह पर जीत कर आई है और कांग्रेस और उनकी आघाड़ी केवल 52 सीटों पर सिमटी है, शायद वो 50 के अंदर ही रहेंगे। ने एक प्रकार से जो विद्वेष की भावना फैलाई थी, इस विद्वेष की भावनाओं को जवाब जनता ने करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी और युति ने जिस प्रकार से काम किया उसके आधार पर जनता ने हमको चुन कर दिया है। जनता का जो निर्णय हमको मान्य है और जनता के हम जवाबदाही है, उत्तरदायी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और महायुति इस महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चलाएगी और जनता को निश्चित रूप से आनंद देगी, ये विश्वास है। अब बटेंगे तो कटेंगे ये नारा लगा था इस बार इलेक्शन में, तो क्या आपको लगता है ये एक मेन मुख्य कारण बना हिंदुत्व की वोट प्राप्त करने के लिए? क्या आपको लगता है ये सरकार का एक पॉलिटिकल स्टंट था या क्या लगता है? ये सरकार का पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, एक नेता ने कहा बात सही है और बटेंगे तो कटेंगे करना गलत कहाँ था, जहाँ हम सब लोग एक है इस प्रकार की भावना हमारे मन में थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से रिजल्ट आए और जिस प्रकार के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने एक तरफा वोटिंग किया, उसको जवाब था, ये इस जवाब का उत्तर अभी चुनाव में मिला है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस आधार पर ये चुनाव तो निश्चित रूप से हुआ। हम सब लोग एक आने के बाद क्या होता है इसका चमत्कार हमने देखा है। लाड़की बहन योजना इस बार मेन फैक्टर बन गई क्या, क्या आपको लगता है? उसका भी काफ़ी बड़ा योगदान है और निश्चित रूप से अपलिफ्टमेंट के लिए इस प्रकार के काम करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और हमने जिम्मेदारी के नाते यह लाड़की बहन योजना लाई है, उसका वो कारगर भी ठहरी। एक आखिरी सवाल, क्या इस बार आप किसको देखना चाहते हो आपका महाराष्ट्र के सीएम के रूप में, चेहरा किस कौन सा चेहरा होगा इस बार? क्या फडणवीस से फिर होंगे या एकनाथ शिंदे जी? इनका भी काम जनता के हिसाब से बहुत बढ़िया रहा है इस बार इस चुनाव में, दो साल के रेजिम में, तो क्या लगता है आपको इस बार कौन बनने चाहिए सीएम? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते जिस पार्टी के अधिकतम उम्मीदवार चुनकर आए, भारतीय जनता पार्टी के 130 उम्मीदवार चुनकर आए, निश्चित रूप से हमारी इच्छाएं रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन महायुति में हम लड़े हैं, महायुति के सारे नेता एकत्र बैठकर इसका निर्णय करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुकी है हमारे मुख्यमंत्री जी की लाडली बहन है, तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी पार्टी एक बार फिर से चुनाव में जीत कर आई है, तो कैसे लग रहा है आपको इतने? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बड़े पैमाने से हमारी पार्टी जीती है, अब महाराष्ट्र पूरा भगवामय हुआ है, एक तरफा विजय हो गई है, एक तरफा विजय हुआ है, मतलब अभी विरोधी पक्ष नेता करके भी सामने कोई हमारी विरोधी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, ऐसा चित्र पूरे महाराष्ट्र में आपके सामने आया। तो आपको क्या लगता है लाड़की बहन योजना मेन फैक्टर बन गई इस बार चुनाव जीतने के लिए? क्या सवाल ही नहीं उठता, लाडली बहन तो फैक्टर बनना ही, और भी बाकी भी योजना जो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की थी वो भी योजनाएं नीचे जात पात धर्म न देखते हुए भी
उन्होंने काम जो किया है वो जनता ने मान्य किया है और हमारे पीछे खड़ी रही है। गुल, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है तो सेफ है ये नारा बहुत चला इस बार, तो हम अभी पार्टी कार्यालय में हैं तो यहाँ पे भी जोश और जल्लोश पार्टियों के वर्कर के बीच बहुत चला है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं श्रेयस भुसारे, कैमरा पर्सन विकास के साथ, वीकेबी न्यूज़ के लिए।